आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इसी के साथ विधानसभा में कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई मुद्दों पर फैसला हुआ। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता सरकार देती थी, लेकिन अब मंत्री खुद टैक्स भरेंगे। आज कैबिनेट में इसे पास कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भी यह घोषणा की है कि वह इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु का संबोधन देने का निर्णय लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मित्रों, आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में ही कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आप सभी को विदित है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि वेतन भत्ता जो माननीय मंत्रीगणों को मिलता है उसमें 1972 से एक एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता, उस पर लगने वाला इनकम टैक्स वो राज्य सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा तो सभी माननीय मंत्रीगणों ने उसको सहज स्वीकार करते हुए, तो आज उस पर कैबिनेट में प्रस्ताव आया और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। वो जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निर्णय सरकार ने लिया उसी निर्णय के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और नेता प्रतिपक्ष उमंग शंगार जी ने भी यह घोषणा की कि हम भी अपना वेतन भत्ते पे लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से नहीं, हम स्वयं भरेंगे। मैं अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। सरकार की तरफ से हमारे माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने एक सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु बोलना चाहिए, तो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुलपति को अब कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।